दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो फिटिंग के साथ फिर से हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको आजकल हम अलाइव ट्रेड्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमने आपको मोल्डिंग पढ़ाया था और उसके बाद हमने फिर आपको फोर्जिंग पढ़ाया था और आज बात करते हैं दोस्तों फिटिंग। फिटिंग का मतलब फिटर, आपने ट्रेड सुना होगा कि फिटर ट्रेड होता है जिसपे फाइल से फाइलिंग करने के बाद कुछ ऑब्जेक्ट को सेप दी जाती है। तो क्या है फिटिंग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मार्किंग मीडिया के बारे में जानते हैं। जब हमको कोई ऑब्जेक्ट बनानी होती है दोस्तों, तो उस ऑब्जेक्ट पे मान लिया यहाँ से मुझे होल का होल निकालना है इसके अंदर बीचों बीच, तो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले मार्किंग करूंगा कि कहाँ किस पॉइंट से मुझे जो है इसके अंदर होल करना है या फेसिंग करनी है, क्या करनी है। तो मार्किंग करने के लिए जो हमको मार्किंग मीडिया की जरूरत पड़ती है, द डिफरेंट मार्किंग मीडिया आर वाइट वॉश पर्सन ब्लू कॉपर सल्फेट एंड सेलुलोज लेक्वर। इस चारों में चारों आपके क्या है मार्किंग मीडिया है। क्वेश्चन आता है इससे 100% कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मार्किंग मीडिया नहीं है या निम्नलिखित में से कौन कौन से मार्किंग मीडिया हैं। तो व्हाइट वॉश हो गया, जो हम घरों में व्हाइट वॉश करते हैं सफेदी वगैरह, पर्शियन ब्लू कॉपर सल्फेट और आपका सेलुलोज लिक्विड। अब सबसे पहले व्हाइट वॉश की बात करते हैं कि व्हाइट वॉश क्या होती है। व्हाइट वॉश इज प्रिपेयर्ड इन मेनी वेज। जो व्हाइट वॉश होती है इसको कई तरीके से बना सकते हैं। नंबर एक, चाक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर। यदि पानी के साथ चाक का पाउडर मिला दिया जाए तो बन जाएगा। चॉक मिक्स विद मिथाइलेटेड स्प्रिट, यदि मिथाइलेटेड स्प्रिट के साथ जो है चॉक को मिला दिया जाए तो भी ये बन जाएगा। और व्हाइट लेड पाउडर मिक्स्ड विद टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन मींस तारपीन का तेल बोलते हैं कि तारपीन के तेल की जरूरत पड़ती है पेंट वेंट में मिक्स करने के लिए लाते हैं या हाथ वाथ पर पेंट लग जाता है उसको साफ करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तारपीन का तेल। तो व्हाइट वॉश इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग्स एंड कास्टिंग्स विद ऑक्सीडाइज सरफेस। व्हाइट वॉश इज नॉट रिकमेंडेड फॉर वर्क पीस ऑफ हाई एक्यूरेसी। जहां पर रफ सरफेस वगैरह होती है वहां पर मार्किंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां पर हाई एक्यूरेसी की बात होती है वहां पर व्हाइट वॉश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू क्या है, दिस इज यूज्ड ऑन फाइल्ड और मशीन फिनिश्ड सरफेस। ये इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, जहां पर मान लिया मैंने इसके ऊपर पहले फाइलिंग कर ली, इसको मैंने घिस लिया रेती से, तो घिसने के बाद या फिर मैंने इस पे जो है कोई मशीनिंग कर ली है, ये ऑपरेशन होने के बाद उसके बाद जो मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, that is called Prussian blue oil. This will give very clear lines but takes more time to drawing than the other marking media. अब ये जो है जो इसकी लाइन हम खींचते हैं वो लाइनें सूखने में काफी टाइम लेती हैं, इसलिए जो है इसकी वजह से जो मार्किंग मीडिया जो टाइम लेता काफी टाइम लेता है, तो इसलिए इससे जो क्लियर लाइन तो आती है लेकिन जो टाइम ज्यादा लेता है इस वजह से इस्तेमाल कम करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। The solution is prepared by mixing copper sulfate. Copper और sulfate को mix करके जो बनाया जाता है in water and a few drops of nitric acid. Copper और sulfate का मिश्रण बनाते हैं और फिर उसके अंदर कुछ drops किसकी डाल देते हैं, nitric acid की डाल देते हैं। The copper sulfate is used on filed or machine finished surface. Copper sulfate का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जिस जॉब को हमने फाइल कर दिया या उसको मशीनिंग कर दी है उस सरफेस के ऊपर किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट स्टिक्स टू द फिनिश सरफेस, ये फिनिश सरफेस से जाकर के चिपक जाता है अच्छी तरीके से। वेल कॉपर सल्फेट नीड्स टू बी हैंडल्ड केयरफुली। कॉपर सल्फेट जो होता है इसको सावधानी पूर्वक इसका रखरखाव करना चाहिए, एज इट इज पॉइजनस, क्योंकि ये जहरीला होता है। कॉपर सल्फेट कोटिंग शुड बी ड्रिल्ड ड्राइड वेल बिफोर कमेंसिंग मार्किंग एज अदरवाइज The solution may stick on the instruments used for marking. अब जिस ऑब्जेक्ट पर मुझे मार्किंग करनी है, मार्किंग करने से पहले मुझे इसकी सतह को जो सुखा लेना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं इसमें मार्किंग करूंगा तो उससे क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट भी खराब होने के चांस हो जाते हैं। तो ये फिगर बने हुए दोस्तों, ये पर्शियन ब्लू का है जो आपके सामने मार्किंग दिखा रखी है करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये आपकी व्हाइट वॉश मार्किंग करके दिखा रखी है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये फ्री एंड स्केच बनाना है। नेक्स्ट सेलुलोज लिक्विड, दिस इज कॉमर्शियली अवेलेबल मार्किंग मीडिया। सबसे ज्यादा जो मार्किंग मीडिया इस्तेमाल किया जाता है जो मिलता है मार्केट में वो मिलता है आपका सेलुलोज लिक्विड।
इट इज मेड इन डिफरेंट कलर्स एंड ड्राइज वेरी क्विकली. इसको अलग अलग कलरों में बनाया जा सकता है और बहुत जल्दी से ये सूख भी जाता है. द सिलेक्शन ऑफ मार्किंग मीडिया फॉर द पार्टिकुलर जॉब डिपेंड्स ऑन द सरफेस फिनिश एंड द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क पीस. अब किस ऑब्जेक्ट मतलब किस ऑब्जेक्ट पर या उसकी सरफेस पर उसको कौन सा मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल करना है, ये डिपेंड करता है कि जो जिस ऑब्जेक्ट पर हम इसको मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरफेस कैसी है, रफ है या आपकी स्मूथ है, मशीनिंग की गई है, फाइलिंग की गई है, किस तरह की बेस की वो आपकी जो मतलब किस बेस पर जो जिस बेस पर आपका जो आपका सरफेस होगा सरफेस के बेस पर हम इसको क्या करते हैं क्लियर करते हैं लगाते हैं कौन सा यूज करना है. तो दोस्तों ये हो गया. नेक्स्ट है मार्किंग ऑफ. मार्किंग ऑफ क्या होता है, मार्किंग ऑफ और लेआउट इज कैरीड आउट टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ ऑपरेशन. मार्किंग इसलिए करते हैं ताकि मुझे उससे लोकेशन पता चल जाए कि किस साइड पर हमको ऑपरेशन करने हैं, ऑपरेशन टू बी डन जो भी करने हैं. एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस ड्यूरिंग रफ मशीनिंग और फाइलिंग. जब रफ मशीनिंग और फाइलिंग होती है तो उस टाइम पर भी इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं उस केस में इसको. नेक्स्ट दोस्तों विटनेस मार्क्स. विटनेस मार्क्स की बात करते हैं. द लाइन मार्क्ड ऑन मेटल सरफेस इज लाइकली टू बी इरेज्ड ड्यू टू हैंडलिंग. अब मान लिया मैंने इसमें मार्किंग मीड, ये मेरी कोई ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस में मैंने लाइनें खींच ली, तो क्या होगा दोस्तों, मैं इसको उठा के यहां से उधर रखा, ऑब्जेक्ट को उधर से उठा के उधर रखा मैंने, तो उसको हैंडलिंग में क्या होता है, जो लाइनें इस पे खींची हुई है वो मिट जाती है, इरेज हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस परमानेंट मार्क्स आर मेड बाई प्लेसिंग पंच मार्क्स. तो इसलिए ताकि मार्क्स जो है परमानेंट पड़ जाए, तो पंच मार्क्स के थ्रू हम क्या करते हैं दोस्तों, मार्क्स करते हैं, मार्क्स लगाते हैं एट कन्वीनियंट इंटरवल्स अलोंग द मार्क्ड लाइन. उस मार्क लाइन पर एक कन्वीनियंट इंटरवल के बाद उसमें क्या करते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं. जैसे मान लिया यहां पर कुछ काम करना है तो मैं यहां पर इसमें कुछ काम करें तो उसको मैं डॉट 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 इस तरीके से लगा के लिया हुआ, तो मुझको इसके क्या हो जाएगा कि इसके यहां से मुझे कोई ऑपरेशन करना है इस पे. पंच मार्क्स एक्ट एज ए विटनेस अगेंस्ट इन एक्यूरेसीज इन मशीनिंग एंड हैंस दे आर नोन एज विटनेस मार्क्स. जहां पर इन एक्यूरेसी की बात होती है वहां पर मशीनिंग के अंदर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, और इसलिए इनको विटनेस मार्क्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट है मार्किंग टेबल. अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो इसके अंदर जो हैंड टूल्स वगैरह है, कटिंग टूल वगैरह है, या जो भी टूल्स है इसके अंदर कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है. तो सबसे पहले नंबर एक बात करते हैं दोस्तों मार्किंग टेबल की. ये मार्किंग टेबल का फिगर दिया हुआ है, ये कास्ट आयरन की टेबल बनी हुई होती है, इसके ऊपर जिस भी ऑब्जेक्ट पर जो भी ऑपरेशन करना है, तो मार्किंग वगैरह करने के लिए या उसकी लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी नापने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे. ये आपने कहा था मार्किंग टेबल, ये कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ये स्क्राइबर की सहायता से इसमें मैंने लाइनें लगाई हैं, यानी कि यहां से मुझे इसको स्लॉट काटना है कुछ भी करना है, तो इस तरीके से हम दोस्तों क्या करते हैं मार्किंग करते हैं. मार्किंग टेबल क्या है, ए मार्किंग टेबल, मार्किंग ऑफ टेबल भी बोलते हैं इसको, इज यूज्ड एज ए रेफरेंस सरफेस फॉर मार्किंग ऑन वर्कपीस. जिस वर्कपीस पर मुझको मार्किंग करनी होती है तो उसके लिए हम उसको सरफेस मान लेते हैं कि भाई ये एकदम हॉरिजॉन्टल है, इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर मैंने कोई ये ऑब्जेक्ट रख दी, अब इस ऑब्जेक्ट पर मैं मार्किंग करनी है, मुझे नापना है क्या करना है, वो सारे ऑपरेशंस मैं इसके ऊपर कर सकता हूं जो मुझे करना है. मार्किंग टेबल्स आर ऑफ ए रिजिड कंस्ट्रक्शन, ये मजबूत होती है, रुकी हुई होती, सुदृढ़ विद एक्यूरेटली फिनिश्ड टॉप सरफेस. और जो इसकी जो टॉप सरफेस होती है ये एक्यूरेटली बिल्कुल फिनिश होती है, मतलब इसमें कहीं भी आपको जरा सा भी वेवीनेस वगैरह या मतलब कोई भी उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा, वो सीधी आपको एकदम फ्लैट मिलेगी. ये मार्किंग टेबल्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन और ग्रेनाइट. ये दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो हमारी मार्किंग टेबल्स हैं वो मार्किंग टेबल किस मेटीरियल की बनी हुई होती है, तो कास्ट आयरन या फिर दूसरा क्या हो गया आपका ग्रेनाइट. एंड आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस, और एक से ज्यादा साइजेस इसको के अंदर भी दोस्तों पाई जाती हैं. दीज टेबल्स आर आल्सो यूज्ड फॉर सेटिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई सेटिंग गड़बड़ होगी उसकी, तो उस इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग को करने के लिए भी हम इस सरफेस का इस्तेमाल करते हैं मार्किंग टेबल का. इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर चेकिंग साइजेस, साइजेस वगैरह चेक करने के लिए, पैरेललिज्म चेक करने के लिए एंड एंगल्स.
मान लिया कि ये बिल्कुल सीधी है नहीं है, मुझे इसको बिल्कुल ऐसे देखना है कि सीधी है या नहीं है, फ्लैट नहीं है, तो उस टेबल के ऊपर इसको हम रख लेते हैं। टेबल के ऊपर रखने के बाद फिर इसको हम चेक करते हैं ये इसके अंदर ठीक है नहीं है। ए मार्किंग टेबल इज वेरी प्रिसाइज, ये काफी प्रिसाइज होती है, एज एन इक्विप एन एक्विपमेंट एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज एंड रस्ट, इसलिए इसकी हमको जो बचाव करनी चाहिए, एक तो कहीं डैमेज ना होए और दूसरा उस पर कहीं भी जो है रस्ट या जंग वगैरह ना लग जाए। द सरफेस ऑफ द मार्किंग टेबल, जो मार्किंग टेबल की जो सरफेस होती है मेड ऑफ कास्ट आयरन, यही बताया था कास्ट आयरन की बनी होती है, शुड बी प्रोटेक्टेड बाई अप्लाइंग ए थिन लेयर ऑफ ऑयल, यदि इसके ऊपर एक ऑयल की थिन लेयर लगा दे, पतली सी चढ़ा चढ़ा दे ऑयल की, तो ये जो सरफेस है इसकी डैमेज नहीं होगी। तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा था आपको मोल्डिंग, दूसरा पढ़ा फोर्जिंग, तीसरा चल रहा है आपका फिटिंग, नेक्स्ट फिटिंग के बाद हम आपको पढ़ाएंगे टर्निंग वगैरह। तो दोस्तों जितनी भी हम अलाइड ट्रेड्स पढ़ा रहे हैं आपको, इनसे जो भी इसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो वो हैंड टूल्स है, चाहे वो कटिंग टूल्स है, चाहे वो मेजरिंग टूल्स है, चाहे वो हेल्पिंग डिवाइसेस है, जो भी डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो उनका कार्य क्या होता है और वो किस मेटल के बने हुए होते हैं। तो दोस्तों फिटिंग की नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, एक नई वीडियो के साथ, किसके साथ, टूल्स के साथ, किसके हैंड टूल्स है, कौन से टूल्स है। तो दोस्तों एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।